क्या बहुत सेट सेट लग रहा था ये क्या क्या हो लेके रख दिया ये लेके रखो सेपरेटली वी कैन पुट इन द वीओएस आई थिंक दिस एंड हर वॉइस इन द अदर देन दैट तब तक हम लोग हो जाए शी सीम्स लो वेल फॉर डायलॉग्स इन देयर जिनके साथ मैंने एक बहुत इमोशनल सी पिक्चर बनाई थी बट मैंने आई एम नॉट हियर टू मेक एनी फ्रेंडशिप एंड आई एम मेकिंग अ मूवी और ट्राई टू यू नो डू समथिंग एल्स फॉर अदर पीपल मैं बहुत ही सेल्फिश आदमी हूँ मेरी पिक्चर की तरफ और मैंने हमेशा श्रद्धा को ये कहा कि मेरी फिल्म से बड़ी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है एंड अगर मुझे ये नहीं लगता कि सचमुच में ये दिस कुड ऐड समथिंग मोर टू माई फिल्म आई थिंक the advantage that Shraddha has is ye picture jeet chuki hai she's been living through the whole film to jab is picture ka sur pakadna tha jo is gaane ka theme karna tha ye gaana banana tha to I think isse better some shayad mujhe sur samjhane mein there was nothing better than this ha agar wo achhi singer na hoti to I wouldn't have used her that's obvious so talking about your character like you like Arohi is now every you have become a dream girl So how much difference is Arohi from Aisha? So, shouldn't this be about the music? About the music, because we're right, going to be still interview soon. My question is, was it like, you know, going to the memory of Arohi singing in the studio, similarly crashing for now for interval 8 million. So it's like, you know, going to the memory lane again? Oh, absolutely. Of course, मैंने इनसे पूछा था कि आशिकी 2 में मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे गाने का एक मौका देना प्लीज़ प्लीज़ उसने बोला कि उन्होंने बोला कि चलो गा के सुनाओ और जब मैंने गाया तो इन्होंने बोला अच्छा ओके दैट्स ऑल ही सेड सो अगर उन्होंने इस फिल्म में मुझे मौका नहीं दिया होता तो आई वुड हैव फेल्ट बैड आई थिंक सो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट ही डिड एंड गलिया अनप्लग्ड आई मीन व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग टू गेट एंड बहुत ही कम लोगों को इतना खूबसूरत गाना मिलता है एंड इट्स डूइंग सो वेल दैट वी आई मीन आई कुडंट इमेजिन दिस काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग ऑन गलिया अनप्लग्ड एंड द रेस्ट ऑफ द एल्बम ऑफकोर्स सो ऑफकोर्स फ्रॉम रियल लाइफ नाउ इन रियल लाइफ आई एम सिंगिंग एंड विद मोहित
So it's great. Can you Riyaz वगैरह भी आप करते हैं? Please. We can mood for it, sir. Riyaz आप करते हैं? Riyaz actually करना चाहिए, but not that much actually. But it's something that I really want to do. थोड़ा बहुत किया है मेरे grandfather के साथ, mom के साथ. मेरी mom बहुत अच्छा गाती है. तो उनके साथ किया है जब भी टाइम मिला है थोड़ा सा, बट समवेयर इट्स कम डाउन इन द जीन्स अ लिटिल बिट दैट आई कैन सिंग लिटिल बिट. सो इट्स नाइस. बस प्लीज आवर स्टार्ट से बड़ा अच्छा लगा. सो तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां. बाकी के लिए आपको एल्बम खरीदना पड़ेगा. मोहित भाई सिद्धार्थ का सिंगर है, यू हैव सीन सिद्धार्थ? आई डोंट थिंक शुड सिंग. सिद्धार्थ की आवाज बहुत अच्छी है, बट एज एज अ लीड हीरो जो जो आवाज में उसकी सच्चाई है उसको एक्टिंग तक ही रिस्ट्रिक्ट करें तो बेटर रहेगा. मोहित कैसे सिंगर? ओहो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे थे एंड यू वाज रियली गेटिंग एक्साइटेड टू सिंग एंड आई टोल्ड हिम प्लीज सिंग बट नहीं नहीं देखिए मेरा म्यूजिक आजकल आज तक बहुत पॉपुलर रहा है. मैं ये इनिंग्स खराब नहीं करना चाहता. आई थिंक आई लाइक टू गो डाउन इन फॉक. नहीं मैं बहुत ही बुरा सिंगर हूं. नो बट एवरीबॉडी नोस दैट. ओके नहीं नहीं मैं बहुत बुरा सिंगर हूं. डोंट इवन ट्राई टू डू दिस. आई एम नॉट गोइंग टू सिंग. बट व्हाट आई एम सेइंग इज एवरीवन नोस कि ओके फाइन इन द सेंस दैट ही व्हाट हिज टैलेंट इज विद म्यूजिक. म्यूजिक सूरी देयर इज अ रीजन व्हाई सब एवरीबॉडी कॉल्स हिम म्यूजिक सूरी इज बिकॉज ही जस्ट हैज सच एन अमेजिंग ईयर टू पिक अप वेरी डिस्टिंक्ट म्यूजिक व्हिच goes with all his films, that Mohit Suri style of filmmaking, you know, so that kind of music totally that he agree. Picks up, yeah. Totally what agree. Was the instruction from the composer when she was singing? First of all, I told her that I didn't know you sing. So, jab maine pehli baar suna to maine bola, if you're not going to riyaz nahi karoge aur uske aage nahi leke jaoge, to it's such a waste of such a beautiful voice, right? So, I think riyaz bhai se to milna hi padega. Since you are debuting in this, as a singer, so which are the best compliments you are receiving nowadays for singing? I think I think what your father said was quite sweet. Yeah. It was actually very sweet right now. So मैं घर पे फटाफट से न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मेरे डैड आए और वो चाय पी रहे थे तो उन्होंने बोला कि sit down. So I sat and he said कि एक बार गा के सुनाओ. So I said why? He said काकी सुनाओ. आई वी वॉन्ट टू नो कि तुम्हारी आवाज़ सच में है या नहीं. तो देन आई सैंग फॉर हिम. तो एक अंतरा गाया. फिर उन्होंने बोला नहीं और गाओ और गाओ. तो फिर उसके बाद ही वॉज क्वाइट इमोशनल अगेन और उन्होंने बिलीव किया कि वो मेरी आवाज़ है. सो दैट वॉज रियली स्वीट. You know, never say never in terms of whether money. I would want to money. Never say never in terms of course, I mean, money and success comes if you're good at what you do. I hope I'm good at what I do in terms of being an actor, and I hope that people enjoy listening to my voice. It seems like they have, but never say never. I mean, Priyanka Chopra is touching the sky, so never say never. So the same question to three of you. What do you think about, you know, actors in India, Ayushmann Khurrana, Priyanka Chopra, Mr. Bachchan has sung in films, Shah Rukh Khan has sung in films, now you are debuting. You know, I have something to say about that. In fact, mere kabhi kabhi actor ki capability janne ke liye, maine in fact ye Raju sir se isi tarah ki kafi newcomers ko bola ki ek gana ga ke batao. और मैं अक्सर ज़्यादा एक पॉपुलर गाना नहीं मैं उनको अपने खुद के एक चॉइस का गाना गाने को कहता हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ही डजंट हैव टू बी इन सुर और अगर उसके वॉइस में वो एक्सप्रेशन है कि एक सच्चाई का एक्सप्रेशन है समवेयर डाउन द लाइन वो एक अच्छा एक्टर भी बन सकता है इज़ व्हाट आई बिलीव. एंड यू सीन इट इन द वेस्ट. आई मीन आई थिंक ब्रॉडवे शोज करते थे सिंग लाइव इवन लॉट ऑफ फेमस एक्टर्स ऑल्सो.
कहीं ना कहीं एक्टर में एक सिंगिंग कैपेबिलिटी भी होती है. एवरीवन इज नॉट गिफ्टेड विद अ ग्रेट वॉइस, बट मुझे लगता है कि आई बिलीव द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू काइंड्स ऑफ पीपल. आई बिलीव दे आर म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड दे आर सिंगर्स. दैट्स समथिंग आई लर्न फ्रॉम राजू सर. यू नो व्हाट आई से, एक्टर इज ऑलरेडी यूजिंग द वॉइस टू एक्सप्रेस सर्टेन डायलॉग्स एवरीथिंग. सो सिंगर जो गा सकता है नॉट नेसेसरली एक्सप्रेस कर सकता. मैं ऑलरेडी एक्सप्रेशन नाम की चीज एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी है. तो एंड इफ यू हैव अ गुड वॉइस एंड इफ यू कैन सिंग सोने पे सोना. सो आई गेस वी शुड टेक इट अहेड इफ यू कैन डू दैट. लॉट ऑफ एक्टर्स आर देयर हु कांट सिंग बट कैन एक्सप्रेस, पर वो दोनों चीज़ें साथ नहीं बैठती तो होता नहीं. सो आई गेस एक्टर थोड़ा बहुत भी गा सके तो एक्सप्रेशन वाइज काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं. सो आई थिंक इट्स आजकल जो स्ट्रेटजी बन चुकी है लाइक गाने सबसे पहले हिट हो जाते हैं उसके बाद फिल्म देखने जनता जाती ही जाती है, इससे आप कितना इतफाक करते हैं आजकल? क्या वो बस वो तो जब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनी तब से चल रहा है. आई थिंक मैं यहाँ पर होता ही नहीं अगर अगर मेरे गाने हिट नहीं होते. मैंने स्टार्टेड मैं खुद यंग था, 22 साल का था और न्यू कमर्स थे मेरे पिक्चर में. अगर मेरे गाने हिट नहीं होते तो लोग कभी मुझे एक चांस ही नहीं देते करियर में, चाहे वो बोल हमें बातें हो, चाहे जिया धड़क धड़क हो, चाहे आदत हो. और मेरा ही क्या, आशिकी वन से आई थिंक वो व्यू कमर जब आए थे वो तब से जब गाने हिट होते तो लोग जाके पिक्चर देखते थे. तो इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट आई एम ट्राइंग, इट्स ऑलवेज बीन देयर एंड विल ऑलवेज गो ऑन. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विदाउट म्यूजिक विल नॉट एग्जिस्ट. ये डाइविंग भी करती है वो, मेरी डाइविंग भी करती है इस पिक्चर में, तो मैंने वो भी एक्सप्लोर किया. इस वक्त मैंने इसको इस फिल्म में उसको 5 माले की बिल्डिंग से भी खुदाया. इस फिल्म में मैंने इसे एक्शन भी कराया. तो आई थिंक basically I feel like मैं जो भी इनसे बोलती हूँ कि प्लीज मुझे ये करना है, he just makes it happen. So that's I guess, amazing. What wish of mine do I want Mohit to make come true next? अभी विश लिस्ट बनानी पड़ेगी लंबी वाली, बिकॉज वट एवर आई हैव रिक्वेस्टेड हिम एंड सेड दैट मोहित आई रियली वॉन्ट टू डू दिस और यू नो लेट्स ट्राई दिस. ही इज जस्ट He's just made it happen, so let's see. Shudha, music ki baat kariye. Jaldi jaldi sirf hook line se pehle ka part agar aap suna de hame. Hook line se pehle ka part. Teri galiyan se pehle ka. Yahi doobe din mere. Yahi hote hain savere. यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना. Tempo mein hai us.
tempo? No. No, you need to know where to start from. Yeah. Okay, now you get two bars of piano. Okay. Are you let me listen, let the voice come, let me listen. Let it take a flute too. I'll just catch it. Is it too high or it's okay? Punch it.